फणीश्वरनाथ रेणु की धरती पूर्णिया का मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। पूर्णिया लोकसभा सीट 1952 के पहले लोकसभा चुनाव से ही अस्तित्व में है। बिहार की सीमांचल की 4 लोकसभा सीटों में से पूर्णिया सबसे अहम सीट है, लेकिन कमाल की बात है कि इस सीट को राजद एक बार भी नहीं जीत सकी है। फिलहाल इस सीट से जनता दल यूनाइटेड के नेता संतोष कुमार कुशवाहा सांसद है और एनडीए ने फिर से उन्हें मौका दिया है। वहीं राजद ने जदयू के नेता बीमा भारती को अपनी पार्टी में शामिल कर उन्हें पूर्णिया लोकसभा सीट का टिकट दिया। लेकिन ये मुकाबला तब और दिलचस्प हो गया जब पप्पू यादव निर्दलीय उम्मीदवार बनकर मैदान में कूद गए। पिछले साल की बात करें तो 2019 लोकसभा चुनाव में जदयू उम्मीदवार संतोष कुमार कुशवाहा ने 6,32,924 वोट के साथ जीत दर्ज की थी और कांग्रेस उम्मीदवार उदय सिंह को 2,63,461 वोटों के बड़े अंतर से हराया था। वहीं 2014 में भी संतोष कुमार कुशवाहा की ही जीत हुई थी। वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो इस बार 61.39% वोटिंग हुई, जो कि 2019 के मुकाबले 2.5% कम है। वैसे तो पूर्णिया में इस बार कुल 7 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन ये दो तरफा मुकाबला पप्पू यादव की एंट्री के बाद त्रिकोणीयम मुकाबला बन चुका है, जो इसे बिहार की हॉट लोकसभा सीटों में शामिल करता है।